फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर जैन, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। ये जो हमारा फ्रेंड है, इनका 3 हफ्ता पहले हमने गायनेकोमास्टी सर्जरी किया था। तो आज उनका स्टिच निकालने के लिए वो आए थे, तो आप लोग देख सकते हो कि उनका कितना अच्छा सा रिजल्ट आया है। तो मैं रेगुलरली गायनेकोमास्टी सर्जरी करता हूँ बेन क्लिनिक कलकत्ता में। तो ये जो हमारा फ्रेंड है, इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये जो फ्रेंड है, इनको एक बार हम पूछ लेते हैं कि इनका क्या कारण है, क्यों सर्जरी कर पाए। सर, आपने सर्जरी क्यों करा, मतलब क्या प्रॉब्लम था? सोशल एम्बेरसमेंट, क्योंकि जैसे स्विमिंग पूल में जाने के लिए जब जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, तो उसके लिए और भी चीज़ें, थोड़ी कपड़े पहनने में, ठीक टाइट कपड़ा या टी शर्ट पहनने में, ठीक। तो मैं काफ़ी वीडियो में डिस्कशन किया, जो गायनेकोमास्टिया की टिशू है, ये हार्मोनल ओवर सेंसिटिविटी के कारण बढ़ जाते हैं। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हार्मोन की कमी है कि कुछ बढ़ गया, ऐसा बात नहीं है। और गायनेकोमास्टिया की कॉजेज है फैट डिपोजिशन होता है, इसलिए गायनेकोमास्टिया होता है। और हार्मोनल सेंसिटिविटी ब्रेस्ट टिश्यू का बढ़ जाता है, तो ग्लैंड को थोड़ा सा ग्लैंड का साइज भी बढ़ जाता है। तो उसमें बहुत फैट भी रहता है, ग्लैंड भी रहता है, जो हम लोग लाइपोसक्शन करके और ग्लैंड को एक छोटा सा निपल में काट करके निकल देते हैं। तो ये जो फ्रेंड है, हम भी उनका यही से ही सर्जरी किया, उनका सर्जरी हुआ है अच्छे तरीके से। तो हमने जनरल एनास्थेसिया में यह पूरा सुन करके उनको किया था। तो अब पूछ लेते हैं कि उनका कोई दिक्कत या दर्द या कुछ पता चला था कि नहीं? सर्जरी जब हुआ था कुछ पता चला आपको? उस टाइम कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। तो सर्जरी खत्म हुआ, आपको नींद से अब आ गया, फिर देखे हो गया, ऐसा कुछ है? ऐसा ही, नींद से उठा, अच्छा देखा कि हो गया सर्जरी। तो ये बहुत एडवांस टेक्निक है, हम लोग जो जनरल एनास्थेसिया करते हैं, कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट बिल्कुल लगता है कि सोए हुए हैं और नींद में है। नींद पे भी जब जागे तो देखा सर्जरी हो गया। सर्जरी के बाद आपको कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम है सर? हल्का डे से वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, इधर उधर चलने में, और अच्छा थोड़ा सा दिक्कत होता है। 2-3 दिन में बिल्कुल फिट हो गया, फिट हो गया, मतलब आप ऑफिस में 3 दिन बाद ज्वाइन किया, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ठीक। तो ऐसे ही हम लोग भी बताते हैं कि आप 2-3 दिन आप घर पर रेस्ट ले सकते हो, लेकिन घर में मतलब मुँह खुलना करना, वॉशरूम में जाना ना आना, ये सब कर सकते हैं। यूजुअली 2-3 डेज में पेशेंट बाहर जाने के लिए या ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल फिट हो जाते हैं। और आपने बाइक चलाया सर सर्जरी के बाद? बाइक आपने इंस्ट्रक्शन दिए था 10 डेज का, 10 डेज तक फिर नहीं चलाया, ठीक है। तो ये जो सर्जरी, काफ़ी लोगों का डर रहता है कि ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, आपको कुछ ऐसा लगा कि बहुत डरने वाला कुछ है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा। आपकी वीडियोस पहले भी देखी थी? अच्छा, वीडियो देखा तो हिम्मत लगा, ठीक है। मेरा काफ़ी सारे वीडियो है यूट्यूब में, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो देखने से आपको हिम्मत मिलेगा। और सर्जिकल वीडियो है, रिजल्ट का वीडियो है, जैसे इनका एक्सपीरियंस है ऐसे एक्सपीरियंस का वीडियो भी है। तो ओवरऑल आपको हमारा क्लिनिक कैसा लगा, हमारा बिहेवियर या स्टाफ लोग को? बेस्ट क्लिनिक है, पूरा क्लीन, सारे स्टाफ अच्छे से ट्रीट भी करेंगे। अच्छा, और बाकी ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अच्छा, बार बार। और सर, आपको कैसा रिजल्ट को अभी इनिशियल है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड। ओके, तो हमारा फ्रेंड फुली सेटिस्फाइड है। अभी तो 21 दिन हुआ है, अभी थोड़ा सा सूजन है, हल्का सा फुला फुला भाव अभी भी है चेस्ट में, हाथ ऊंचा करने में थोड़ा सा टान टान लग रहा है। तो ये सब हल्का फुल्का सूजन, हल्का फुला टान भाव, या भारी काम करने जाएंगे हल्का सा दर्द, ऐसा हो सकते इनिशियली 6-8 वीक्स हो सकते, 2-3 महीने बिल्कुल फिट हो जाएगा, चामड़ी भी एकदम नेचुरल है, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। हम फ्रेंड्स को बोले हैं, उनको जो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन रहता है प्रेशर गारमेंट पहनने का, पहला 6 वीक्स पहनना है सब टाइम पे, नेक्स्ट 6 वीक्स 5 घंटा करके दिन में 2 बार रहेंगे, तो डेफिनेटली एकदम फर्स्ट क्लास उनका आउटकम होगा। तो मैं रेगुलरली बैन क्लिनिक कोलकाता में गायनेकोमास्टी सर्जरी करता हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल में। और अगर गायनेकोमास्टी की समस्या ही है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग आपका छाती का फोटो भेजोगे तो मैं देख के कौन सा ग्रेड है, कितना खर्चा पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स बता दूंगा और गाइड कर दूंगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।